सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनुराग श्रीवास्तव व्लॉग्स। और आज मैं इसके चैनल पे व्लॉग लेके आया हूँ। आज भाई का बर्थडे है तो अपन ने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं, तो चलते हैं अपन सीधा जहाँ पे अपन ने रूम डेकोरेट किया है वहाँ पे। तो उसके आपको शॉर्ट्स अभी आगे वीडियो पे मिल जाएंगे फिर आपको, और काफ़ी अच्छा सरप्राइजिंग हम लोगों ने प्लान किया उसके लिए। तो चलो अभी वो अंदर वाले रूम पे है और मैं बाहर पे हूँ, तो जो रूम डेकोरेट किए हैं तो उस रूम पे जाते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी उसको कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है, वो अंदर वाले रूम पे और मैं बाहर हूँ। और चलते हैं अपन डेकोरेशन वाले रूम की ओर, तो दिखाता हूँ मैं आपको उसका ब्लॉग। तो गाइस अपन चल रहे हैं ऊपर वाले रूम पे, वहाँ पे हम लोग ने सारा डेकोरेशन किया है, तो अभी आपको लाइट तो दिख नहीं रही होगी, तो चलिए मैं डायरेक्ट आपसे रूम में मिलता हूँ। तो यहाँ पे आ गए अपन रूम पे और ये कैंडल्स सारी जल रही हैं, ये लव यू लिखा है यहाँ पे, ये सारा हैप्पी बर्थडे। हाँ ये हमारे यहाँ की सबसे सुंदर लड़की है। और ये सारा प्लानिंग है। ये भी ब्लॉगर बन जाएंगी। तो अभी जो है भाई नीचे एक और, तो वो उसको ऊपर लेके आएगा। और ये देखो सुंदर लड़की। चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, सबसे भयंकर चीज हम लोग उसके लिए लेके आए और ये है। तो चलो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, वो आवाज़ मार रहा है, तो फिर उसको लेके आते हैं और आपको व्लॉग दिखाते हैं। तो ये बर्थडे बॉय, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है, तो सब इसको हैप्पी बर्थडे कमेंट्स में लिख देना। और कैसी फीलिंग आ रही है? तो अंदर क्या कुछ की हो क्या? नहीं का तेरे लिए कुछ करेंगे हम लोग, लगता है तेरे को कभी? नहीं लगता मुझे। तो चलो अंदर लेके चलते हैं, वहाँ पे सब लोग खड़े। और ये देखो अभी ये खड़ा है बेचारा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। बड़ी मम्मी है, कैसी फीलिंग आ रही है दादा का बर्थडे है, कुछ बता दो। बहुत खुश हो है? तो ये तो फंसा ही रही। एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो वहाँ पे रूम नहीं हो पा रहे, वो वहाँ खड़ा है। कुछ कहना चाहोगी इस डेकोरेशन के लिए? सुंदर है ना? हाँ। दादा के हिसाब से सही है, एक नंबर। और ये हम लोग ने स्पेशल उसके लिए डंबल वाला केक बनवाया, जिम जाते हैं तो डंबल वाला केक, और केक में लिखवाया हम लोग पैकेट। तो बड़ी मम्मी काफी खुश है बर्थडे से। और ये देख लो आप, ये रूम है ऊपर वाला, तो इसी में हम लोग डेकोरेशन करते हैं। तो फाइनली अब दादा ऊपर आने वाला है, उसको दिखाते हैं हम लोग और उसका व्लॉग आपको देखते हैं। बर्थडे बॉय यहाँ पे और ये आने वाला है अंदर, इसको अभी कुछ नहीं पता, ये टोटली मूंद इंसान है, तो इसकी आंखें बंद कर दी जा रही है। और ये शिफू भाई अपने, चलो ये देखो अंदा, ये अभी आ रहा है, तो इसको अभी कुछ नहीं पता है। खोल दो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो गाइस इसका बर्थडे है यहाँ पे, कैसी क्या फीलिंग आ रही है फिर आपको बर्थडे? इसको मतलब इसको ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। यहाँ पे डांस, और ये देखो कितना खुश है, ये पूरा जान जीत लिया इसने। बचा ही गया भाई। ये देखो खुशी इसकी, भाई खुशी समाई नहीं जा रही, और बड़ी मम्मी तो काफी ज्यादा खुश हो गई, ये स्माइल। और भाई केक में देख क्या लिखवाया तेरे, मैंने लिखवा स्पेशली। यहाँ 5 वाली प्लेट है, 10 वाली। तो भाई ये सारी जिम के लिए लगवा दी है, तो वो चीज अलग है, ये स्पेशली गोल्डन कलर की है। अरे तो
यहाँ पे पूरे लोग हैं सारे, और अब हम इस ब्लॉग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब होने वाला है केक कटिंग, और ये देखो ये भी काफ़ी खुश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, मेरे हाथ पे देखो क्या है, अभी उड़ाऊंगा मैं तो बैक शूट देता हूँ आपको इसका। तो भाई काफी ज्यादा खुश है ये। फर्स्ट केक जो जाएगा वो बड़ी मम्मी को जाएगा दादा के हाथों से। ये बड़ी मम्मी काफी खुश है, और ये तो बहुत खुश ही रहता है, और पूरी मेहनत बाय द वे इनकी है, तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है। तो ये केक कैसा बना है बड़ी मम्मी? अच्छा है ना? और ये है इस भाई ने पूरी आज परेशान है युवा दिन भर, और ये देखो केक तभी। वो पूरा भिड़ गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर कुछ खाने पीने, और ये देखो लाइट लाइट सब बंद हो गई, सब लोग ये रूम से अलग हो रहे हैं, ये देखो काम बता रहा हूँ। तो अब चल रहे हैं नीचे, इन लोगों का फोटोशूट डन हो गया, ये सारी लाइट बज रही है, और ये हमारे ग्रुप की सबसे सुंदर है इसका बर्थडे बॉय। चलो चलते हैं अब कुछ बाहर खाने पीने, फिर वहाँ पर अपन ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। पैट्रिक तेरे भाई कैसा मना तेरा केक कटिंग वाला सीन? एक्सपेक्टेशन थी कुछ ऐसी वाली नहीं, बस कुछ बोलेंगे जा रहे घूमेंगे हो गया बर्थडे वाले दिन। सारी मेहनत इस बंदी की थी भाई। लिनी भी बर्थडे मना रही थी, ये लिनी को अब केक मिलने वाला चॉकलेट फ्लेवर, ये इधर ले, ये खा रही है। चलते तो डायरेक्ट अपन कंटिन्यू करते हैं अब कार पे। तो यहाँ पे इसने लाइट बंद कर दी है सारी, तो चलने हैं बाबा। और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था बर्थडे को लेकर? सॉरी फॉर अब्यूजिंग, लेकिन ये थोड़ा ऐसा ही टाइप का है। तो चलो अपन नीचे चलते हैं, सब लोग वहाँ पे। चलो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तैयार यार सब हो गए हैं, और गिरते गिरते बच्चा ये भी तैयार हो गई हैं, और कार कर रही है। चलें चलो चलते हैं। तो ये थोड़ा लंबा व्लॉग होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक होम और होम रिलेटेड और बर्थडे व्लॉग है, जिसका चैनल है उसका बर्थडे है, तो कोई बात नहीं। और एक बार फिर से ये बैठी हमारी ग्रुप की सबसे सुंदर लड़की। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, कार में तो नींद आ गई थी, एसी चल रहा था, तो ये पार्टी दे रहे हैं, ये सब लोग हैं, और वो अंदर ही बैठी हैं। तो चलो पिज़्ज़ा की शॉप पे आ रहे हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, और दो लोग और आ रहे हैं, तो हम लोग के रिलेटिव भी हैं, तो उनके साथ खाते हैं। तो फिर चलो वो गए दादा पैक भी कराने, क्योंकि घर में बड़ी मम्मी ही वेट कर रही है। ओके, ये सुंदर लड़की स्वस्थ हो गई। कितना टाइम लगा डेकोरेशन में? तो फिर भी कितना आता है फ्रॉक्स? आशीर्वाद ये लोग करवाएंगे, उन्हीं लोग को करवाएंगे। इनका तो आज शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लोग को लगा, और उसमें भी भाई हमारी लोग को डांट पड़ा रही थी।
चलो यार चल के देखे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई वहाँ। अच्छा चलो थोड़ी सी फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं अपन। यहाँ पे पिज्जा बन रहा है, ये देखो इसकी शकल, बर्थडे बॉय भैया तो भर भर के चीज डाल रहे हैं पिज्जा में। तो अब अपन पूरी रेसिपी में नहीं आएंगे, ये देखो भाई हमारे पिज्जा में कौन डाल रहा है। वाओ ऑलिव, कौन सी पिज्जा बोल रहा है तो सबसे ज्यादा इनने मदद की है डेकोरेशन में उसके बर्थडे में। ये देखो शर्मा गई इतना ही, मैं नहीं शर्माती। अच्छा तो हर ब्लॉग में ले लें आपको, मेरी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब आपको फ्री का क्रेडिट मिलना था, सारी मेहनत तो इनकी है। नहीं उसने भी की है भाई, दोनों ने की है। लेकिन ज्यादा आपकी है ना। नहीं, अरे आपने तो टेका दी ना, टाइम पे नहीं आई कहीं इधर, डॉक्टर तो कहीं वो। ये टाइम से लेट थी लेकिन मेहनत इनकी थी, और अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और वो लोग वहाँ पे पिज्जा बनवा रहे भाई, बन जाएगा। देखो ये लड़का बहुत सुबह से परेशान है, ये भैया का दुकान का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर तो दिखाओ। ये गोविंदा पिज्जा, चलो तो ये है जबलपुर से सेंटर चौपाटी में गोविंदास पिज्ज़ा करके, और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देखती है। तो यहाँ पे आए और इनका पिज्ज़ा एंजॉय करें। ब्लॉग शूटिंग चल रही थी, ब्लॉग शूटिंग हाय कर दीजिए भैया, व्यू हाय कर दो भाई। हाय आ गए हम लोग घर पे, ये देखो पिज्ज़ा पार्टी चल रही है। लोग तो सबसे पहले और बड़ी मम्मी के लिए स्पेशल चीज़ पिज्ज़ा जो आपको पसंद है, क्यों बड़ी रही है, मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाली। बहुत दूर हो गई है, कौन सी कुर्सी लाना पड़ेगा तुमको।